अभी कितना टाइम लगेगा एहसान भाई सीधी पहुंचने में? बस हो गया, अपन पहुंच ही गए, सामने सीधी आगे दिख रहा है, देखिए भीड़ भाड़ हो गई है। यहीं से सिटी स्टार्ट होती है? हाँ, सिटी स्टार्ट हो गई। मैं सीधी में दूसरी बार आया हूँ आज। सीधी जरूर, सीधी के नाम जो सीधी शब्द है, सीधी नहीं टेढ़ी बहुत ज्यादा है ना, कहते हैं जरूर नाम सीधी है पर है टेढ़ बहुत। एक बात तो है मनीष भाई, पार्टी एक नंबर की देता है अपने जन्मदिन का, लेकिन हर बार हम लोग लेट हो जाते हैं। आज लेट नहीं हो रहा है? आज थोड़ा ले लेते हैं अपन। ले नहीं लेते तो व्यवस्था किया है ना, किया है तो हम अच्छा। भी ले लेते हैं अपने हिसाब से। अरे नहीं नहीं गलत बात, वही लेंगे जो है तो वहाँ पहुँचने के बाद। अच्छा, और हर बार की तरह जानते हैं एकदम स्पेशल रहती है अपनी पार्टी। मनीष भाई कितना बेहतरीन है, बढ़िया है पार्टी, तो अपने लिए एकदम अलग ही रखता है। आज जम के नाचना है, ठीक है? एकदम ठुमका लगा के, है ना? पिछले बार तुम थोड़ा कम ही कर दिया था एहसान भाई यार। नहीं आज नहीं, आज कसर पूरी निकाल ले। अच्छा ऐसा, चलिए ठीक है। अरे ये करे, लेट तो नहीं हो रहे हम लोग? लेट कितने बजे, टाइम क्या है? नहीं बस पास ही में है सीधी। 9 बज गए, 8:30 का टाइम दिया था, बताइए। अरे तो हो गए, इतना चलता है? थोड़ा फास्ट चलाइए। इतना चलता है? हाँ इतना चलता है, लेकिन हर बार की तरह लेट नहीं पहुँचना है। हम लोगों के पास आधा घंटा लेट है। अरे ठीक है, वहाँ तो थोड़ा लेट पहुँचे, क्या पता किसी जिंदगी बच जाए, कोई हेल्प नहीं कर रहे थे, देख रहे सब कोई। क्या पता कोई अपना ही हो, मदद कर देते इंसान चलाते। आप लोग देख रहे हैं, बताइए अभी तक क्या बताएं भैया, पहचानते हैं क्या? नहीं पहचान, कोई पहचान नहीं। चक्कर में सही बात है, आप तो मना कर रहे थे मत पड़ो उस चक्कर में, पुलिस केस होगा।
हुआ कोई केस? नहीं, हम लेट थे इसलिए बोल रहे थे, लेकिन सही किया आपने, बहुत बढ़िया काम। बताइए, अगर इसी जगह आपकी फैमिली कोई परेशान होता तो क्या मना करते? नहीं, हमने भी मना नहीं किया। इंसानियत होता है इंसान के अंदर, शुरू में किया फिर हो गया, आपकी बात मान लिए, जान बच गई उसकी। अच्छा, अब आप कभी देखेंगे ना तो किसी की मदद करिएगा, मैं रहूं चाहे ना रहूं। बिल्कुल ठीक, आज मिली कुछ आपको ना? बिल्कुल, हमेशा बहुत अफसोस है हमको। इस मरीज के साथ कौन है? हाँ मैम। आप मरीज के कौन है? मैम, मैं मरीज का तो कोई नहीं हूँ, तो मुझे रास्ते में घायल मिले तो मैं भैया से बोला जल्दी से हम लोग हॉस्पिटल ले चल, जान बच जाएगी। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप बहुत नेक दिल इंसान हैं। वैसे हम आपका परिचय तो नहीं पूछेंगे, लेकिन आप बताना चाहें तो अपना परिचय दे सकते हैं, हमें खुशी होगी क्योंकि हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी घायल व्यक्ति को अस्पताल लाता है तो उससे उसका परिचय नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर वो अपना परिचय देना चाहे तो दे सकता है, जिससे हम उसको सम्मानित कर सकें। इसके लिए सरकार ने एक योजना बनाई है, गुड सैम रिटर्न, नेक दिल इंसान, और इस योजना के तहत किसी भी दुर्घटना में घायल व्यक्ति को मदद करने वाले व्यक्ति के लिए ये योजना बनाई गई है। इसके तहत सरकार द्वारा उस व्यक्ति को 5,000 रुपये इनाम और सम्मान पत्र से सम्मानित किया जाता है।